हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद मी। सो गाइस, आज की वीडियो में हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के जो सेंटेंस होते हैं ना, उनकी एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे। ठीक है, पीछे हमने प्रेजेंट जो इंडेफिनिट टेंस आता है हमारा, उसके सेंटेंस को पैसिव वॉइस में चेंज किया था। इंडेफिनिट में हमने जो है हेल्पिंग वर्ब और जो मेन वर्ब होती है इज एम आर प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज की थी। कंटीन्यूअस टेंस जो है हमारा, उसमें भी ये दो चीजें यूज होंगी, बट साथ में इनके बीच बीइंग का हमें यूज करते हैं। ठीक है, तो ऐसे हम पहले सिंपल सेंटेंस, देन नेगेटिव एंड फिर इंटरोगेटिव से स्ट्रक्चर बनाएंगे। सो इस टेंस के सेंटेंस को पहचान आप सकते हैं, क्योंकि लास्ट में आएगा हमारा रहा है, रही है। जब इस सेंटेंस को हिंदी के सेंटेंस को आप इंग्लिश में कन्वर्ट करोगे, सो वही हमारा प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस होगा। अब प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस हमें एक्टिव वॉइस में दिया मिलेगा, हमें उसे चेंज करना है पैसिव वॉइस में। बट जरूरी नहीं है कि हर बार सेंटेंस जो है एक्टिव वॉइस में दिया गया, कभी कभी हमें पैसिव वॉइस में भी दिया गया और पैसिव वॉइस से हमें एक्टिव वॉइस में चेंज करना है। बट ज़्यादातर जो सेंटेंस आते हैं वो एक्टिव वॉइस में आते हैं, जिन्हें हमें पैसिव वॉइस में चेंज करना होता है। सो अभी टॉपिक पे आते हैं। सो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के जो सिंपल सेंटेंस आते हैं हमारे, तो इनका स्ट्रक्चर कैसे हो, सिंपल सेंटेंस का स्ट्रक्चर बहुत ही ईजी है। देखिए, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, ये मेन वर्ब है। ठीक है, ये चार चीजें होती है। ठीक है, अभी सब्जेक्ट को हमने ऑब्जेक्ट में बदल दिया है एंड ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में हमें कन्वर्ट कर दिया। सो टेंस में हमने पहले सब्जेक्ट को लिया था, यहाँ पे सब्जेक्ट अब ऑब्जेक्ट में चेंज हो गया है। सो पहले आएगा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। टेंस में भी इज एम और आर का यूज होता था, वॉइस में भी यही तीनों हेल्पिंग वर्ब का यूज होगा। So is, am, and are. ठीक है, ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस बीइंग प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म एंड देन सब्जेक्ट। ठीक है, सिंपल सेंटेंस का इस तरीके से जो है स्ट्रक्चर करेगा। अभी इसका एक हम एग्जांपल देखते हैं। शी इज कुकिंग फूड, शी इज कुकिंग फूड, वह खाना पका रही है। शी इज कुकिंग फूड। सो स्ट्रक्चर के हिसाब से हमें जो है इसे पैसिव वॉइस में चेंज करना है। अब ये हमारा सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब विद आईएनजी, क्योंकि बीइंग में आईएनजी एंड टेंस में हमारा वर्ब फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी होता है, तो ये मेन वर्ब यहाँ पे थर्ड आती है, सेकंड आती है वो टेंस के हिसाब से। एंड देन ये हमारा आ गया ऑब्जेक्ट। अभी ऑब्जेक्ट फर्स्ट स्ट्रक्चर में आएगा, सो फूड, देन इज एम आर, इज लगेगा सिंगुलर सब्जेक्ट एंड लगेगा आई के साथ एंड आर प्लूरल। अभी सब्जेक्ट हमारा यहाँ पे फूड आ गया, क्योंकि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में एंड ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में चेंज हो गया, सो फूड सिंगुलर है। So food is MR के बाद आता है being, food is being, verb third form, यानी main verb हमारी है cook, ing में tense के हिसाब से लगा है, so cook के third form हमारी है cook, food is being cooked, and then verb third form, हमने ये देखा था कि rule के हिसाब से by का use करना है, तो subject से पहले हमें by अपनी तरफ से लगाना होता है। ठीक है, then food is being cooked by, subject हमारा है she, अब ये object में change हुआ। so इस sentence के हमने passive voice change की, so ये आया। एक और example देखते हैं। Ram is, sorry, यहाँ पे देखते हैं they, and यहाँ पे are, they are reading lesson. वे पाठ पढ़ रहे हैं, दे आर रीडिंग लेसन, ये अलग सेंटेंस है, ये अलग है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब,
विद आईएनजी ये ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब ये ऑब्जेक्ट यानी लेसन, एक्टिविटी सवाल में से लेसन एक है सिंगुलर यानी इज बीइंग, वर्ब थर्ड फॉर्म, रीड की थर्ड फॉर्म आती है रेड, रीड रेड रेड, तो और ये लेसन इज बीइंग रेड बाय बाय सब्जेक्ट हमारा यहाँ पे है दे। सो ये हमारी एक्टिव वॉइस थी, दे आर रीडिंग लेसन, लेसन इज बीइंग रीड बाय देम। एक मिनट सॉरी गाइस, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, हमने प्रोनाउन को चेंज नहीं किया। फूड इज बीइंग कुक्ड बाय हर एंड लेसन इज बीइंग रीड बाय देम। हमने रूल पढ़ा था कि प्रोनाउन को फॉलोइंग रूल के हिसाब से बदला जाएगा, सो शी हर में बदला गया दे देम में, ठीक है। सो अभी ये सिंपल सेंटेंस था, अगर सिंपल की जगह हम नेगेटिव लेते हैं, नेगेटिव सेंटेंस में सो ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर ऐसे लगा देते हैं, प्लस यहाँ पे आ जाएगा नॉट, बाकी सेम ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस बीइंग प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म बाय हमने खुद से लगाना है एंड देन सब्जेक्ट, ठीक है। सो शी इज नॉट कुकिंग फूड, ये हमारा आ गया अभी नया शब्द है, शी इज नॉट कुकिंग फूड। सो फूड इज, मैंने बताया था कि नेगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब चाहे लास्ट में क्यों ना लगे हो, नॉट उसके बाद ही लगेगा पैसिव वॉइस, ठीक है। बाकी एक्टिव वॉइस में भी हमने नॉट इसी के बाद लगाना है। अभी फूड इज नॉट बीइंग कुक्ड बाय हर, ये हमारा पैसिव वॉइस कंप्लीट हो गया है। दे आर नॉट रीडिंग लेसन, ठीक है, लेसन इज नॉट, लेसन इज नॉट बीइंग रीड बाय देम, नेगेटिव सेंटेंस भी कंप्लीट हो गया। अभी हम देखेंगे इंटरव्यू, इंटरोगेटिव सेंटेंस, सो इज एम आर ये यहाँ पे चला जाएगा, ये यहाँ पे इज एम आर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नोट भी हटा देते हैं प्लस बीइंग प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट, सो इज शी कुकिंग फूड। सो सिंपली जो हमने नया ऑब्जेक्ट एंड जो एक्टिव वर्ब दिए हैं वो भी चेंज हो जाएंगे, इज फूड बीइंग कुक्ड बाय हर, लास्ट में हमारा क्वेश्चन मार्क इंटरोगेटिव सेंटेंस के लिए है। आर दे यहाँ पे आ जाएगा हमारा, ठीक है, आर दे रीडिंग लेसन यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, सो ये इज आके लेसन के आगे लग जाएगा, इज लेसन बीइंग रीड बाय देम, हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। नोट वहीं पे हमें लगाना है, इज एम आर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस यहाँ पे फिर से नोट आ जाएगा, इस इज गॉट इज शी नॉट कुकिंग फूड, नोट हटा दे, इज शी नॉट कुकिंग फूड, इज फूड नॉट बीइंग कुक्ड बाय हर, ठीक है। आर दे नॉट रीडिंग लेसंस, इज लेसन नॉट बीइंग रीड बाय देम, इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव, ये वाला सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो गया। सो एक ही सेंटेंस के अंदर हमने चारों सेंटेंस को पढ़ लिया, आई होप आपको अच्छे समझ में आएगा। सो इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी सो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।